और नहीं फटवाया। तो क्या मैं इस बात का बहुत सॉरी। अरे 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 आराम से आराम से भैया भैया बाइक पकड़ो थोड़ा बाइक पकड़ो गिर रहे हैं। अरे वेरी ब्यूटीफुल यू कैन एंजॉय बट यू आर नॉट अलाउड टू स्विम हियर। ओ माय इंग्लिश ब्यूटी ऑफ दिस लेक एंड चिल। हर हर महादेव हर हर महादेव। पवन भैया अब आ रहे हैं और राधे राधे हर हर महादेव नाम लेते हुए, लेकिन उनके साथ यहाँ पर हुई एक छोटी सी दुर्घटना। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कासा अगेन। सो कल का वीडियो मैं एंड नहीं कर पाया था क्योंकि हम लोग जब घूम करके आए उसके बाद थकान इतनी थी कि जल्दी जल्दी खाया पिया और सो गए। तो आज जो है निकल रहे हैं अपने, अभी टाइम हो रहा है 9:45 और आज अपना day 8 है। आज हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाटाल वाया चंद्रताल लेक। तो अभी फ़िलहाल जो है ऑल सेट है, सब कुछ रेडी हो गया है, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लीव इन 30 मिनट्स मैक्सिमम। तो अब निकलेंगे यहाँ से, 100 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट बाटाल है। बाटाल में PWD रेस्ट हाउस का अपना मैंने बताया ही था आपको कि वहाँ हमने बुकिंग करा रखा है, वहाँ जाएंगे और साथ में एक अपने साथ शायद एक हाइकिंग करने वाले एक लेडी हैं तो वो भी अपने साथ जुड़ने वाली हैं। तो मतलब वो बेसिकली लिफ्ट लेकर के दिल्ली टू काजा और वापस दिल्ली उन्होंने किया है, तो वो वापस हम लोग के साथ ज्वाइन करने वाली हैं बाटाल तक। तो तुषार जो है, तुषार लगेज उनका मेरे पास आई होप रहेगा और तुषार के बाइक पर वो रहेंगी। तो बाकी बढ़ते हैं आगे, अब पैकिंग वैकिंग करते हैं बाइक पे, फिर आपसे मिलते हैं। तो ऑल सेट है, सारा सामान पैक हो गया, तीनों लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैं चलता हूँ भैया। ओ बाबा, लगेज आज थोड़ा ज़्यादा है, आपको बताया था मैंने, एक जन का सामान और है। कोई नहीं, चलते हैं अब। काजा में अच्छा अपने स्टे रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। ब्रेक लिए है ना? हाँ ठीक है। स्कार्फ नहीं बांधा? स्कार्फ अच्छा। तो अब चलते हैं आगे, हवा एक बार ना चेक करा लिया जाएगा, आगे रुक करके चेक करा लिया जाएगा। निकल रहे हैं काजा से, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी रितेश भैया वगैरह जो अभी पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करा चुके हैं, पवन भैया उधर अपना फ्यूल भरवा रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। इंटरकॉम पेयरिंग करो, पेयरिंग मोड में लाओ इंटरकॉम पेयरिंग, दबाए रखो 5 सेकंड तक। रितेश भी आए, म्यूजिक सुन रहे हैं। चलो हम आगे चल रहे हैं, लीड हमको करना है। तो नहीं 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 बीच में रहो। हम्म,
बैकवा मस्त बंधा आ गया ना भाई तुम्हारे साइड में। वो देखिए सामने जो बादल घिरा हुआ है वो बारिश हो रहा है वहाँ पे, और वो कैसा दिख रहा है यहाँ से उसका सीन देखिए, वो तो भीग जाएगा भाई आदमी। क्या बारिश हो रहा है सामने, पूरा नीचे तक पानी पड़ रहा है, वो देखिए पहाड़ पे दिख रहा है। जब बारिश हो रही थी तो रेन कवर वगैरह पहन लिए थे, और रेन कवर पहनते के साथ बारिश उस एरिया से हट गई। और अभी देखो आप वहाँ लेफ्ट में हो रही है बारिश, वो लेफ्ट में बारिश हो रही है, राइट का मौसम देखो एकदम क्लियर है, बहुत ही मस्त सीन है। राइट में धूप निकला है, उधर बारिश हो रही है लेफ्ट में, पता नहीं अपना रोड किधर से होके जाने वाला है। ये देखिए एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग भी आ गया, लिटिल बिट, बहुत छोटा है। वाओ निकल गया, लकाटा जिसको क्रॉस करने आगे लोसर है, लोसर आई थिंक अब 20 किलोमीटर के अराउंड कुछ बचा होगा। जल्दी पहुंचने से पहले देर भली। अच्छा पवन दिया था एकदम रगेते हुए निकलने वाले का, उनको आगे जाने दीजिए एक सेकंड के लिए, जगह दीजिएगा आप आगे जाके, आगे जाने दीजिए, हाँ हाँ जाने दीजिए, जाने नहीं नहीं जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए इनको, हाँ। तो सर्वा बगल में आके बोल रहा है देखा, इशारा कर रहा है देखा कैसे चलावा तू। तुषार का बैग ये गिर गया था और देखिए कैसे फट गया, रोड पर पूरा घसीटा आ रहा था। रुको रुको यहाँ से खींचो, कॉलिन का क्या हाल हुआ है, अरे बाप रे बाप पूरा भरा हुआ कॉलिन जो है। ठीक है हाँ ये सही है, उधर से रुको बैग को पकड़े हैं रस्सी को और खींच के दो हमको इधर, हाँ ये चीज को और खींचो, हाँ खींचो बस 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 ठीक है, इधर आओ इधर आओ, इसमें से इसके क्षेत्र में से घुसाओ, चलो चलो हाँ इसको जो है इसमें बांधने को, इसमें चीज़ उसमें तक नहीं आएगा, अच्छा तो अभी हम लोग यहाँ लोसर में रुके हैं इस शॉप पे, एक दो टो हमारे क्या की दिया, हाँ हाँ दो टो ले लो, यही दो टो ले, एक और लेता है भैया, एक और दे दीजिए, पूरा पिएंगे हैं अकेले भैया, पूरा हाँ पानी पिएंगे ना, पानी है ना बस, अच्छा मीठा इसलिए ऑफर नहीं किया, ओह नहीं नहीं पानी हम लोग तो ऐसे भी लेने वाले थे, हाँ तो पानी वाले करते हैं, पानी की बोतल रखी रहती है हमारे पास, हम रिफिल करते हैं, क्या बात है। ये तो नेचुरल ठंडा रहता होगा, लाओ इधर सब में दर्द होने लगा यार, तुम चाहिए होगी आप पीजिए, अब नहीं फटवाया तो क्या, मैं इस बात का बहुत सॉरी। तो ये कौन सा है, लोसर का चेक पोस्ट जहाँ आपने रुके हैं,
यहाँ एंट्री होगी बाइक्स की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काजा से है? जी काजा से जाना है अपने को चंद बाटाल। हाँ हाँ, वो सब लोग अपनी चेक पोस्ट पर एंट्री करा लें, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये आप देख रहे हो यहाँ वार्निंग लिखा हुआ है, और ये वार्निंग ये लिखा है कि बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण चट्टान वगैरह गिर जाता है, पत्थर वगैरह यहाँ पे गिर जाता है। तो इसलिए NH 505 जो है 15 अक्टूबर से लेकर के अगले महीने के अगले साल के जून तक ये नेशनल हाईवे बंद रहता है काजा सड़क तक, ग्रमफू से लेकर काजा तक। बैठ गया भाई, यहाँ से चलते हैं। और इस पॉइंट से जो है ये 6 बजे से 12 बजे तक ही ये रोड खुला भी रहता है, मतलब जब खुला रहता है तब भी, रात के 12 से 6 बंद रहता है। और सब लोग अपने अपने घर पे बात कर रहे हैं, बिकॉज इस पॉइंट के आगे सब नेटवर्क नहीं है। अब तो जाग जाओ इंसान, पानी में बसते हैं प्राण, जल ही जीवन है। ओ भाई हाँ बे व्हाट, चल चला 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 आगे। वाओ बाप रे बाप, ऑफ रोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब यहाँ से पूरा ऑफ रोड है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक, बट हम लोग काजा से अभी तक 65 किलोमीटर के अप्रॉक्स आ चुके हैं। लेट्स सी कितने किलोमीटर का ऐसा ऑफ रोडिंग रहेगा। झरना गिरई छियो बट रोड पर ना आई छियो, ये देखिए क्या बात। बाटाल यहाँ से 16 किलोमीटर दिख रहा है, और कुंजम पास यानी जो टॉप होगा वो 5 किलोमीटर दूर है। हम लोग कुंजम टॉप पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, वो है सामने कुंजम टॉप, जहाँ जाकर फोटो वोटो क्लिक कराएंगे। कुंजम टॉप, यस कुंजम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। कुंजम टॉप आ चुके हैं, कुंजम माता का एक तरह से मंदिर है ये, और आप देखिए मेरे पीछे खाली पहाड़, खाली पहाड़ दिख रहे होंगे, और वहाँ देखिए सामने ये पूरा बर्फ बादल से पूरा भरा हुआ है, ढका हुआ है। कैसा मतलब सीन है, हवा काफ़ी तेज चल रहा है, लैप्स बना रहा था इसे। यहाँ फोटो वोटो खिंचाएंगे उसके बाद चलेंगे आगे। All set to leave from Kunjum Pass, Kunjum Top. वॉशरूम सब बना रखे हैं लेकिन कोई यूज नहीं है उसका। ले रहे हूँ बर्फ भाई, बर्फ बर्फ। अरे
ठंडा हो गया। वो नीचे अपने को जाना है, वो देखिए गाड़ी चल रही है वहां पे, बात सही है बट अब चला। हाँ कौन भी आके बोला बाएं से उतार दे नीचे। हर हर महादेव राधे राधे करे लगे। तो इधर राइट है चंद्रताल, अपने को चंद्रताल जाना है इधर। तो गुरु चलते हैं अपने चंद्रताल की तरफ, मुड़ गए हैं और ये ऑफ रोडिंग यहाँ पर भी है, ये भी नीचे उतारेगा ये आई थिंक लेक के लिए। मनाली का रूट नीचे है तो इन केस अगर इसी रूट पर आगे बाटाल होगा तो हम लोग को वापस से इसी रास्ते से हो करके आना पड़ेगा ताकि मनाली की तरफ जा सकें। क्या बे, ओ भाई कितना वाइट पानी है यार। ओहो यहाँ पर भी वाटर क्रॉसिंग है, वाओ वाओ आई लव इट। है कि नहीं रितेश भैया, देखो आप कितना बढ़िया यहाँ से पहाड़ दिख रहा है। रोड भी एकदम पूरा कंप्लीट ऑफ रोडिंग टाइप का है। अरे साला लगा टन नहीं आ गया भाई, इस वाटर क्रॉसिंग को पार करना है अपने को। नहीं 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 उतर के कैसे जाएंगे आप ऐसे ही आए तो दोनों लोग को चलिए आइए। पवन भैया को दौड़ाते, पवन भैया को खींचो चला चलिए भैया चलिए पवन भैया चलिए। कहीं नहीं पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं। अरे तो क्या पहनी है, अपना कवर पहनी है। इस वाले वाटर क्रॉसिंग को भी पार करना भाई, बवाल है तो। ओ भाई साहब पानी का फ्लो देखो, गड्ढा गुड्ढी पता ही नहीं चलेगा ये तो। हाँ चलो 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 वीडियो बनावा थी भैया हम चल आ रहे हैं भाई रुक, देखो जाएगी कि नहीं। तुमको बाइक लगा के, बाइक लगा ऊपर चढ़ा के, बायां जाते नहीं जाओ, राइट साइड राइट साइड राइट साइड। आप आगे चलिएगा हम चले। चला भैया चला, इधर का पैंट वेंट फाइल के तैयार। अरे भैया चलिए चलिए चले। जूते में पूरा पानी भर गया, सुखाना पड़ेगा अब तो। ये जो है चंद्रताल का चेक पोस्ट है, यहाँ पर एंट्री होगी अपनी। उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर दिया है, हो सकता है वो कहीं आगे यूज़ हो पता नहीं, बट एक नंबर उन्होंने बताया है। जैसे मेरा है 131, पवन भैया का 130 है, आपका 132 है ना, 134 है, और तुषार का 133 है। अरे 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 आराम से आराम से भैया भैया, बाइक पकड़ो थोड़ा, बाइक पकड़ो, गिर रहे हैं। अरे तो हम लोग आ गए हैं चंद्रताल लेक, और यहाँ पर अपनी बाइक्स जो है सब लोग पार्क कर दिए हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, ये देखा
नींद आ रहा तुझे? पर लेक घूमते हैं फिर नीचे उतरना है 20 किलोमीटर बाताल के लिए। 20 किलोमीटर या ब्रो 20 किलोमीटर। तो अभी आपने आपको ये जो क्लिप दिख रहा है इसमें चंद्रताल लेक की हिस्ट्री दिख रही है, और अभी से बहुत सारी क्लिप्स में आपको मैं वॉइस ओवर के थ्रू गाइड करूँगा, बिकॉज गोप्रो की जो TRRS कनेक्टर होती है माइक अडैप्टर में लगने वाली वो टूट चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला, पूरा ट्रिप ख़त्म हो गई हमारी तब मुझे पता चला। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग चंद्रताल लेक में अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से वॉकिंग है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की और एक छोटा सा क्रॉसिंग टाइप का है जिसको अपने क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा हमें वेदर मिला था और बहुत ही अच्छा रहा यहाँ चंद्रताल लेक को एक्सप्लोर करना, यहाँ के बारे में पढ़ना, यहाँ के बारे में जानना, यहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कुछ अनुभव यहाँ पे रात में परियां आती हैं, और एक पौराणिक मान्यता ये भी कि यहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने स्वर्ग तक की यात्रा पूरी की थी इस लेक को पार करके। पूरा रट ले ले बोर्ड पे जो निकल रहा है। This lake is very beautiful. You can enjoy, but you are not allowed to swim here. Oh my English! Enjoy the beauty of this lake and chill. Har Mahadev. Photo log Chandra Lake par. Radhe. Photo to khicha liya. Ab yahan se niklenge aage ki taraf. Jab Batal jana hai, apne ko Batal. Namah Parvati Pate Har Har Mahadev. तो अब चंद्रताल लेक हम लोगों ने घूम लिया और अब यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। हमारे साथ जो हाइकिंग करते हुए जो ट्रैवलर आए हैं उनको भी हमें ड्रॉप करना है चंद्रताल में जहाँ कैंप्स हैं सारे बने हुए। फिलहाल इस रोड को आप देख सकते हो पूरा ऑफ रोड है, चंद्रताल वाला पूरा जो पैच है वो पूरा ऑफ रोड आपको मिलेगा। अभी जहाँ कैंप आएगा वहाँ हम अपने को ट्रैवलर को ड्रॉप करेंगे, यहाँ बाय बाय बोलेंगे और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया है अपने एक साथी ट्रैवलर को और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी फिर अभी वाटर क्रॉसिंग आने वाली है जिस वाटर क्रॉसिंग को हमने क्रॉस किया था, और अभी चूँकि शाम जैसे जैसे शाम होता जाता है वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ता जाता है। पहुंच गए हम लोग वाटर क्रॉसिंग पे, अभी पानी की कंडीशन देख करके और यहाँ जल्दी से क्रॉस करेंगे, बिकॉज़ आप देखो पानी बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है और फ्लो बहुत तेज़ हो चुका है। अभी देखते हैं कौन पहले वाटर क्रॉसिंग में जाता है। तुषार को मैं बोल रहा हूँ कि वो आगे बढ़े, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ साथ साथ में। तो तुषार आगे बढ़ रहा है, आप लोग देखो वाटर क्रॉसिंग का आनंद उठाओ। वाटर क्रॉसिंग पार करना एक अलग टाइप का टास्क होता है, बाइक फंस जा रही है मेरी बार बार बीच बीच में और हैंडल मोड़ जा रही है उसके कारण, तो थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, बट कोई नहीं, विल डू इट। तो अब जो है कि अब धीरे 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 उसकी बाइक फंस रही है पानी। पिछली बारी अभी जो हम लोग आधे घंटे दो घंटे पहले क्रॉस किए थे उससे ज़्यादा काफ़ी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरी बाइक फंस गई है, बट मैं फुल थ्रॉटल में बाइक को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पवन भैया की बारी है, पवन भैया अब आ रहे हैं और राधे राधे हर हर महादेव नाम लेते हुए, लेकिन उनके साथ यहाँ पर हुई एक छोटी सी दुर्घटना, उनकी बाइक गिर गई है, फंस गए वो वाटर क्रॉसिंग में ही। अब तुषार जो है कंटेंट बोलता वो भाग रहा है, लेकिन हम दोनों के माइंड में है कि जल्दी से उनको निकाला जाए यहाँ से। ये बहुत ही कॉमेडी मोमेंट हो गया था हम लोगों के लिए और परेशानी भरा भी, क्योंकि हमारे साथ का एक राइडर गिर गया था वाटर क्रॉसिंग में, बट कोई नहीं, हम लोगों ने मिल करके उनको रेस्क्यू किया और इनको बाहर निकालते हैं। फिर रितेश भी अब वहाँ से वाटर क्रॉसिंग पार करेंगे। पवन भैया का ब्रेक लीवर वगैरह थोड़ा सा डैमेज हो गया चूँकि पत्थर लगाया उसमें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो है रितेश भैया को बुलाते हैं, तुषार इशारा कर रहा है रितेश भैया को, आओ भैया आराम से आओ आप।
आप लोग देखो वाटर क्रॉसिंग का पानी, वाटर क्रॉसिंग में जो पानी का लेवल है वो तेज़ी से बढ़ते जाता है जैसे जैसे दोपहर होते जाती है, टाइम बीतता जाता है क्योंकि बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है। फिर रितेश भी अभी आ गए, वाह वेल डन। तो ये थोड़ा सा प्लेन रोड टाइप का यहाँ पर आया था, ऑफ रोड वाला पैच। और अब इसके बाद अपने को मिलने वाला है चंद्रताल वाला कट। ये एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है जिसको क्रॉस करेंगे, बट चूंकि पवन भी अभी लास्ट टाइम गिर चुके थे तो हमने उनको बोला कि आप पहले क्रॉस करो ताकि आपको बैकअप दे सकें हम लोग। उन्होंने क्रॉस कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे और बाकी राइडर्स भी साथ में पीछे पीछे आ जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, इंजॉय करिए सीनरी को। ये देखो आप, ऊपर काजा का कट है और नीचे की तरफ हमें जाना है बाटल की तरफ। बाटल की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये रोड जो है पूरा ऑफ रोड ही मिला है अपने को। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बाटल। ये ब्रिज आपको मिलेगा जब आप चंद्रताल से आओगे, इस ब्रिज को जस्ट क्रॉस करते जो आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा है दैट इज़ बाटल। और यहाँ पर हमें एक फेमस यूट्यूबर मिले, बट मुझे इनका नाम नहीं पता था। मेरे साथ के बाकी फेलो राइडर्स ने मुझे बताया कि ये भी एक इन्फ्लुएंसर है। ये मनाली से आ रहे थे और इन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया कि बहुत बुरी कंडीशन है वाटर क्रॉसिंग्स की आगे, मतलब अभी तो ट्रैवल करने लायक नहीं है। बहुत अच्छी खासी बातचीत रही 5-10 मिनट की, मज़ा आया एक दूसरे से बात करके। हम लोग एक दूसरे के बारे में पता कर रहे थे, कौन कहाँ से आया है, कैसे आया है, कैसा रोड कंडीशन मिला, कैसा वेदर है, कहाँ पर स्टे करना ज़्यादा है। तो ये भाई साहब जो हैं ये रुके हैं यहाँ, चाचा चाची का ढाबा है वहाँ पर इन्होंने स्टे लिया है। हम लोगों से थोड़ी सी बातचीत इनकी हुई और इसके बाद अब हम लोग अपने PWD रेस्ट हाउस की तरफ हम लोग जाएंगे। PWD रेस्ट हाउस हमारे सामने में ही है, ये हमने बताया है इसको PWD रेस्ट हाउस के बारे में। और अब बातचीत ख़त्म करेंगे और तुरंत चलेंगे रेस्ट हाउस की तरफ गुरु। चलो भैया रेस्ट हाउस की तरफ चलते हैं, पैर वैर पूरा भीग चुका है, जल्दी से शूज़ उतारने का मन कर रहा है। चलो एंट्री लेते हैं। तो कुछ ऐसा है PWD का रेस्ट हाउस बाटाल में, सिर्फ एक यही पक्की कंस्ट्रक्शन है, जो पक्के पत्थरों ईंट पत्थरों की कंस्ट्रक्शन है जो यहाँ रेडी की गई है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड बाकी पब्लिक के लिए भी। तो जब फ्री रहता है तो पब्लिक भी इसे यूज़ कर सकती है। और ये है यहाँ के केयर टेकर जिन्होंने हमें हेल्प किया रूम्स में, और इनको मुझे स्लिप दिखानी होगी बेसिकली जो मुझे मिला था काजा से, वो स्लिप दिखाते हैं और फिर ये रूम वगैरह अरेंज करेंगे हमारे लिए, रूम रेडी करके हमें देंगे। ये हमने स्लिप दिखाई इनको और इन्होंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारी रूम्स अब ये रेडी करेंगे। तो रूम्स वगैरह में सामान वगैरह अनपैक करते हैं, रूम्स में ले चलते हैं और रूम में सामान अनपैक अनलोड करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारे भावी दो राइडर्स भी अंदर आ गए हैं, तो अब चलते हैं रूम में और रेडी होकर के आपसे मुलाकात करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, अपने जो है पहुंच गए हैं चंद बाटाल के ये विश्राम गृह, आपको दिखाई था बाहर से। तो बेसिकली रूम मिल गया है ये, सो ये बेसिकली यहाँ पर 3 रूम्स अवेलेबल हैं जिसमें सूट 1 और सूट 2 अपने को मिला है और थर्ड में भी कोई ट्रैवलर्स हैं जो कि रह रहे हैं। फिलहाल लगेज वगैरह सब कुछ यहाँ उतार दिया है, बूट्स हम दोनों की पूरी गीली हो चुकी हैं और बूट्स को भी यहाँ पर रखे हैं। अभी देखते हैं न्यूज़पेपर का अगर अरेंजमेंट होता है तो इसको जो है कि सोक करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, इसका जो पानी है उसको कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ से व्यू आपको दिखाता हूँ खिड़की से, ये देखिए पहाड़ है पूरी, अपनी गाड़ी वाड़ी सब यहाँ दिख रही है, बाइक खड़ी है रूम के सामने, काफ़ी प्यारा व्यू है। जा रहे हैं अभी बाहर, देखते हैं खाने का क्या। खाने के लिए तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बाहर एक दो ढाबे हैं वहाँ पर खा सकते हैं, तो देखते हैं वहाँ खाएंगे, नहीं तो मेरे पास ओट्स पड़ा हुआ है, ओट्स ही बनाकर मैं खाने वाला हूँ आज। सारे लोग बल्कि बाहर जाएंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, न्यूज़पेपर देखते हैं मिल जाए तो लेकर आते हैं। अब जो अपने निकल गए हैं बिस्किट खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं बाहर, थोड़ा देखें क्या ऑप्शन है फॉर फूडिंग, तो फिर उस हिसाब से आगे का प्लान करेंगे। सामने अपने चाचा चाची का फेमस ढाबा, क्योंकि
पाटाल में पड़ता है। रेड हवा काफ़ी बढ़िया, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखते हैं, दो बाइकर यहाँ पर रुके हुए हैं, तीन बाइकर उस वाले ढाबे में रुके हुए हैं। अपने पास अरेंजमेंट हो गया था अपना, इसमें क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस में, जो गवर्नमेंट की गेस्ट हाउस है, तो यहाँ अपने रह रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो अभी जो है यहाँ पर चाची चाची में हम लोग खाने का अरेंजमेंट है, देख लेते हैं। बहुत गर्म होगा भैया, राजमा चावल चार प्लेट, हाँ हाँ, वो क्या है ना, बेड लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, सारे बाइकर्स लोग अपना वो लगा रखे हैं। और यहाँ पर जो है कि बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह सब चीज़ अरेंजमेंट इनके पास है, अवेलेबल है। ड्रिंक सारे अवेलेबल है जी, तरह का ड्रिंक है यहाँ पर अवेलेबल, तो पहले भुजिया खा रहे हैं, कॉफ़ी आएगा। कॉफ़ी मंगवाए ना भैया, रितेश भैया कॉफ़ी मंगवाए ना, और विंटर है यार, राजमा चावल, राजमा चावल और कॉफ़ी आ रहे हैं, खाते हैं। कॉफ़ी आ गया है, कॉफ़ी भड़क से पीते हैं और फिर उसके बाद राजमा चावल का आनंद उठाएंगे। तो हम लोग का राजमा चावल आ गया है, सब लोग राजमा चावल खा रहे हैं, अचार है, नमक है, बढ़िया से चौचक खाते हैं गुरु, और खा करके फिर मिलते हैं। ठीक है, तो अपना लंच डिनर हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं, अपने रूम में जा रहे हैं। डिनर कर लिया हमने चाचा चाची चंद्र ढाबा बाटाल, बिहार से, बिहार कहाँ से, बोध गया, बोध गया, लाइट का नामो निशान नहीं है।